हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड इज योर इंग्लिश क्लास एंड इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैड द फ्रॉम फ्रॉम क्वेश्चन बैंक ऑफ क्वेश्चंस इन आवर क्लास वी विल रिवाइज हैं उनका यूज किसने किया जाता था द प्रिमिटिव स्पेर्स वर यूज फॉर हंटिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स प्रिमिटिव स्पेर्स जो होते थे यानी जो नुकीले औजार होते थे पत्थरों से बने हुए उनका यूज शिकार करने के लिए और जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करने के लिए किया जाता था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वॉट लुक्स लाइक स्पाइडर वेब स्पाइडर वेब यानी मकड़ी के जाने की तरह क्या दिखाई देता है अ हैंगिंग ब्रिज लुक्स लाइक अ स्पाइडर वेब जो हैंगिंग ब्रिज होता है जो पुल होता है नदी के ऊपर बना हुआ जो पुल होता है वह स्पाइडर वेब यानी मकड़ी के जाले की तरह दिखाई देता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वॉट इज इंस्पायर्ड बाय द ड्राई येलो लीव्स सूखी येलो कलर की जो पत्तियां होती है उनसे किस चीज को बनाने की इंस्पिरेशन मिली प्रेरणा मिली अकाइट इज इंस्पायर्ड बाय द ड्राई येलो लीव्स काइट जो है उसको सूखी येलो कलर की लीव्स को देखकर बनाया गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वॉट वॉज द बैटरिंग रैम यूज फॉर बैटरिंग रैम का यूज किस लिए किया जाता था अ बैटरिंग रैम वॉज यूज फॉर ब्रेकिंग डाउन द गेट्स ऑफ एनामिश फोर्ट बैटरिंग रैम का यूज दुश्मन के शत्रुओं के किले का दरवाजे को तोड़ने के लिए किया जाता था क्वेश्चन नंबर एक पत्थर को किस तरह से नुकीले चाकू में बदला जाता था द स्टोन टर्न इन टू अ पॉइंटेड नाइफ बाय चिपिंग ऑफ बिट्स पत्थर को नुकीले चाकू में उसे रगड़ कर घीस कर और काट कर उसे नुकीले चाकू में बदला जाता था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी रैम्स की फाइटिंग को रैम की लड़ाई को ऑब्जर्व किया और उससे कुछ सीखा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हु पिक्ड अवनी फ्रॉम स्कूल अवनी को स्कूल से कौन लेकर आया अवनीस दादू पिक्ड अवनी फ्रॉम स्कूल आउनी के दादू आउनी को स्कूल से लेकर आए थे 28 व्हाट स्पेशल फूड हैड दादू कुक्ड फॉर आउनी दादू ने आउनी के लिए कौन सा स्पेशल फूड बनाया था दादू हैड कुक्ड वेजिटेबल बिरयानी फॉर आउनी दादू ने आउनी के लिए वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी 29 व्हाट वाज दादू डूइंग एज़ ही वॉकड अराउंड द किचन जब दादू किचन में घूम रहे थे इधर उधर जा रहे थे तब वे क्या कर रहे थे दादू वॉज सिंगिंग दादू गाना गा रहे थे क्वेश्चन नंबर थर्टी हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिट दादू हैव दादू के कितने ब्रदर्स और कितने सिस्टर्स थी थ्री ब्रदर्स एंड फोर सिस्टर्स दादू के तीन भाई और चार बहनें थी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन डिट एनी वन पे अटेंशन टू दादू वाइल ही वॉज इन दाथ ट जब दादू बाथ टब में थे, तब क्या कोई उनकी तरफ ध्यान दे रहा था नो no. क्वेश्चन जब दादू ने अपनी फैमिली के लिए गाना गाना शुरू किया तब वे कहाँ पर थे दादू वॉज इन टब इन द कोर्टयार्ड दादू कोर्टयार्ड यानी बरामदे में रखे हुए बाथ टब के अंदर थे क्वेश्चन थर्टी थ्री आफ्टर शुरू कर दिया तब उनकी उनकी फैमिली ने उनकी तरफ ध्यान दिया। यस क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वेर वॉज मार्टिन लूथर किंग बोर्न मार्टिन लूथर किंग का जन्म कहाँ हुआ था मार्टिन लूथर किंग वॉज बॉर्न इन एटलांटा जॉर्जिया मार्टिन लूथर किंग का जन्म एटलांटा जॉर्जिया में हुआ था क्वेश्चन कॉलेज में मार्टिन ने किसके बारे में पढ़ाई करना शुरू किया था मार्टिन स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट मोहनदास करमचंद गांधी कॉलेज में मार्टिन ने मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में पढ़ना शुरू किया था क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वॉट डिड द ब्लैक पीपल बॉयकॉट ब्लैक पीपल ने काले लोगों ने किसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया था द ब्लैक पीपल बॉयकॉटेड दिटी बसेस काले लोगों ने सिटी बसेस का बहिष्कार करना शुरू किया क्वेश्चन थर्टी सेवन विच आइडिया ऑफ गांधी जी डेड मार्टिन लूथर किंग लाइक गांधी जी का कौन सा आइडिया मार्टिन लूथर किंग को बहुत पसंद आया मार्टिन लूथर किंग लाइकड गांधीजी आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस मार्टिन लूथर किंग को गांधी जी का नॉन वायलेंस यानी शांतिपूर्ण आंदोलन का आइडिया बहुत पसंद आया क्वेश्चन थर्टी एट विच अवार्ड डिट मार्टिन लूथर किंग रिसीव्ड मार्टिन लूथर किंग को कौन सा अवार्ड मिला था द नोबल प्राइज फॉर पीस शांति के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था क्वेश्चन थर्टी नाइन वेर डिड मार्टिन लूथर किंग डिलीवर फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग ने अपनी फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम कहाँ पर डिलीवर की थी कहाँ पर दी थी इन लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी मार्टिन लूथर किंग ने अपनी जो फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम थी वह वॉशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल में दी थी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन Does the shadow गो एवरीवेयर विथ द लिटिल बॉय क्या छोटे बच्चे के साथ में उसकी शेडो उसकी परछाई हर जगह जाती है यस क्वेश्चन फोर्टी वन डिड द शेडो गो अलोंग विथ द बॉय अर्ली इन द मॉर्निंग क्या बच्चे के साथ में उसकी परछाई सुबह भी उसके साथ होती थी नो क्वेश्चन फोर्टी टू डू चिल्ड्रन ग्रो एज क्विकली एज द शेडो जितनी जल्दी हमारी शेडो बड़ी होती है परछाई बड़ी होती है क्या उतनी ही जल्दी बच्चे भी बढ़ते हैं नो no.